सीधा साधा वेश था, ना कोई अभिमान, खादी की एक धोती पहने बापू की थी शान। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है, वो दिन जिस दिन को हम नेशनल हॉलिडे के नाम से मनाते हैं। देश के राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा गांधी का जन्मदिन है आज। हमने ना आज तक अपने पूर्वजों की भी इतनी कहानी नहीं सुनी है जितना हम बचपन के स्कूल के किताबों से लेकर इतिहास के किताबों तक बापू के बारे में पढ़ते आए हैं। ये तो सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि उन्हें ये उपाधि किसने दी। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सिंगापुर के रेडियो के एक संदेश प्रसारित करते हुए उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था। नेताजी और महात्मा गांधी एक दूसरे को बहुत ही सम्मान भरी नज़रों से देखते थे, लेकिन इसके साथ ही दोनों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद भी होते रहता था। नेताजी महात्मा गांधी के इस विचारधारा से सहमत नहीं थे कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही स्वतंत्रता पाई जा सकती है। गांधी जी चतुर राजनेता थे जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत से भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी और गरीब भारतीयों के हक के लिए आवाज़ उठाई थी। अहिंसक विरोध का उनका सिखाया हुआ सबक आज भी पूरी दुनिया में सम्मान के साथ याद किया जाता है। आइए जानते हैं कि अहिंसा और शांति का ये पुजारी, जो खुद एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था, वो शख्स कैसे भारत के गरीबों का नुमाइंदा बना। जो किशोर व्यवस्था में एक बागी था, कैसे वो राष्ट्रपिता बन गया। 13 की उम्र में मोहनदास करमचंद गांधी की शादी कस्तूरबा से करा दी गई। वो राजकोट की रहने वाली थी और शादी के वक्त कस्तूरबा मोहनदास से 1 साल बड़ी यानी कि 14 की थी। परिवार की परंपरा के खिलाफ जाकर गांधी जी ने चोरी करने, शराब पीने और मांसाहारी खाना खाने जैसे कई काम करने लगे। फिर भी हर उस काम के बाद जो उनकी नज़र में पाप था वो प्रायश्चित करते थे, जिसका विस्तार से वर्णन वो अपनी किताब सत्य के प्रयोग में भी कर चुके हैं। 1888 वो साल जब वो बॉम्बे के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा। तभी उन्होंने लंदन के एक मशहूर कॉलेज इनर टेंपल में कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। उन्हें प्रस्ताव मिला, परिवार के बुजुर्गों ने उनको समझाया कि विदेश जाकर पढ़ने वाले को वो जात से बाहर कर देंगे, लेकिन बड़ों का एतराज को दरकिनार करके गांधी जी पढ़ने के लिए लंदन चले गए। 1893 कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहनदास गांधी भारत वापस लौट आए और वकालत करने लगे। भारत की गरीबी और जनसंख्या को देखकर वो बहुत निराश हुए। इसी बीच उनको दक्षिण अफ्रीका में काम करने का प्रस्ताव मिला, जो उन्होंने फौरन स्वीकार कर लिया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उसी दौरान वो स्वयं शुद्धिकरण और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों का प्रयोग के बारे में भी आंदोलन करने लगे। इसी दौरान गांधी जी ने ये प्रण लिया कि वो सफ़ेद धोती पहननी शुरू करेंगे। 1913 में उन्होंने एक आंदोलन किया जिसके बाद उनको जेल जाना पड़ा। कुल 9 महीने तक उन्हें सजा सुनाई गई। 1915 दक्षिण अफ्रीका में अपनी आंदोलन में कामयाबी के बाद गांधी जी एक विजेता के तौर पर अपने स्वदेश वापस लौटे। फिर शुरू हुआ गांधी जी का एक के बाद एक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और फिर 1930 में हुआ आज़ादी के लिए नमक यात्रा। इसके चलते अंग्रेजों ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया और फिर 1943 में गांधी का अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान शुरू हुआ। आंदोलन की शुरुआत में ही गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा को जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद गांधी को जेल से रिहा कराने की मांग को लेकर पूरे देश में हिंसक आंदोलन शुरू हो गया और आखिरकार 1947 जब भारत को आज़ादी मिली। 1948 वो साल जिसने हिंदू कट्टरपंथियों के गढ़ में गांधी की मौत के बाद जश्न मनाया। नथुराम गोडसे ने गांधी के सीने पर कुल 3 गोलियां दागी। राष्ट्रपिता की मौत हो गई। पूरी दुनिया ने अहिंसा और शांति के इस पुजारी का मौत होने के बाद मातम मनाया। ये उस शख्स की कहानी थी जिसे हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। हालांकि इस पूरी कहानी में अब तक आप वो अंश सुन पाए
जो हमने कहीं ना कहीं से पढ़ी हुई है। महात्मा गांधी के बारे में न जाने कितनी सारी किताबें लिखी गई, कई इतिहास में और अब वर्तमान में भी उनके नाम से न जाने कितनी पुस्तक छपती है। राष्ट्रपिता के बारे में अनसुने अनकही कहानियां लिखी जाती है, जिसे आपको भी पढ़ना चाहिए ताकि आप ये जान पाए कि जिन्हें राष्ट्रपति की उपाधि मिली है उनको आप कितना जानते हैं।